मध्य प्रदेश के सतना जिले को आज 150 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 26 करोड़ की लागत से चित्रकूट घाट पर अध्यात्मता अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले में 139 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये पर्यटन विभाग के प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत मंदाकिनी के घाटों के जीर्णोद्धार और उन्नयन कार्यों के लिए है। इस दौरान सीएम यादव ने लोगों को संबोधन किया। यहां सीएम ने जय श्री राम के नारे लगवाकर अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये सुखद संयोग है कि श्रीनगर में कार्यक्रम के चलते पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, जो श्रीनगर नाम का था, जहां श्री का तेज मध्यम पड़ गया था उस श्रीनगर के नाम को 370 हटाकर और ये श्रीनगर है चित्रकूट। यहां प्रभु के राम के रूप में आए थे, जिन प्रभु राम के नाम से काम सफल हो जाता है। आ रही है। अच्छा अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ कि प्रतिक्रिया महिंदर सिंह जी की आएगी तो हम समझो आ गई। और भाई एक और भाई, हम जुड़वा भाई एक रामेश्वर शर्मा जी भी, भरत मिश्रा जी जोरदार भरत जी का। अब मेरे संकट ये है कि मैं नाम बोलूं कि अपना भाषण पूरा करूं, क्योंकि कब प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाए, समय कम पड़ जाए। जोरदार अभिनंदन करता हूं पूरे मंच के लिए, एक बार सभी को प्रणाम करता हूं। सबका एक तरह से अभिनंदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। जहां हम बात करने के लिए खड़े हैं, ये चित्रकूट 17 लाख साल पुरानी बात, और अभी जो कार्यक्रम चलते चलते हमने बीच में समय निकाला थोड़ा सा, वो श्रीनगर की धरती, जो श्रीनगर नाम का श्रीनगर था, जहां की श्री की छाया या तेज मध्यम पड़ गया, लेकिन उस श्री को सार्थक किया है 370 हटा करके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और ये भी श्रीनगर है चित्रकूट, जहां भगवान राम के रूप में आए थे, लेकिन उनके जीवन का उत्कर्ष, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, उनके जीवन के सभी अभीष्ट कामों को सफलता के साथ संसार के सामने ले जाके दिखाने का अगर श्री लगाने वाला कोई नगर है, तो यह हमारा कामतानाथ का धाम चित्रकूट धाम है, जहां 11.5 साल भगवान ने अपने जीवन में एक नया परिवर्तन देखा, नया आत्मविश्वास देखा। दुनिया जिनको बाद में एक अलग रूप से अलौकिक नेतृत्व करता हो, हमारे सबके आदरणीय पूजनीय युगों युगों से जिनके नाम मात्र से हमारा जीवन तर जाता है, ऐसे प्रभु राम का संबंध चित्रकूट से आता है। और ये केवल 17 लाख साल पुरानी वो बात नहीं है, यही तो कारण है कि भगवान राम जी ऐसे बसे चित्रकूट में कि हम सब आज भी सनातन धर्म वाले कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास और तिलक करे, आप बोल नहीं रहो, आनंद नहीं आया। चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास चंदन घिसे, ये आनंद आया अपने आप में। जोरदार ताली बजा अपने उस युग को याद करते हुए। 17 लाख साल कम नहीं होते, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसने की बात हमारे लिए गर्व की बात है। तुलसीदास जी ने जब बोला, वो काल हमारा नहीं था, वो काल भी मुगल सत्ता का काल था, लेकिन मुगल सत्ता के काल में हमारी सनातन संस्कृति ना पहले झुकी ना तब झुकी, और अब तो समय नरेंद्र मोदी जी का इसका आनंद ही कठोर है। बोला अयोध्या वाले अयोध्यापति प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। अब बदलते दौर में, बदलते समय में,
किनारे आ जाओ, रास्ता छोड़ दो। सीएम सर, सीएम सर, सर 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 चित्रकूट धाम में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण के अवसर पर मैं यहाँ मौजूद था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज ही के दिन सभी प्रकार के पर्यटन के धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन टूरिज्म ऐसे कामों को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीनगर से जुड़े थे। मेरे साथ माननीय सांसद अनिल गणेश सिंह जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री प्रतिभा बागरी, हम सब ने मिलकर के कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है और चित्रकूट की धरती पर ही एक प्राधिकरण बनाने की आज घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण होने के साथ साथ उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका मूर्त रूप दिया जा सके। सर राहुल गांधी कह रहे हैं कई सारे कामों को लेकर के ऐसे अच्छी चित्रकूट धाम में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण के अवसर पर मैं यहाँ मौजूद था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज ही के दिन सभी प्रकार के पर्यटन के धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन टूरिज्म ऐसे कामों को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीनगर से जुड़े थे। मेरे साथ माननीय सांसद अनिल गणेश सिंह जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री प्रतिभा बागरी, हम सब ने मिलकर के कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है और चित्रकूट की धरती पर ही एक प्राधिकरण बनाने की आज घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण होने के साथ साथ उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका मूर्त रूप दिया जा सके। सर राहुल गांधी कह रहे हैं कई सारे कामों को लेकर के ऐसे सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।